नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवन परिचय के बारे में। तो इसमें हम लोग भारत के अपने जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं अभी तक उन सभी के बारे में जान चुके थे। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जो चर्चा में रहते हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने बात की। फिर हम लोगों ने बात की थी राष्ट्रपतियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। फिर आपके दूसरे राष्ट्रपति हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनके बारे में भी जाना हम लोगों ने। फिर आपके तीसरे राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखना डॉक्टर जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे भारत के, और इनकी जब मृत्यु हुई ये अपने पद पर थे, मतलब पद राष्ट्रपति रहते हुए इनकी मृत्यु हुई। जैसा कि आपको पता होगा कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति की, तो उसकी जगह एक कार्यवाहक, उस समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति रखा जाता है, उसके बाद चुनाव कराए जाते हैं। तो इसके डॉक्टर जो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद आपके बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे। बीबी गिरी के बाद आपके जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्ला, इन्हें राष्ट्रपति बनाया गया 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। उसके बाद चुनाव हुआ, उसके बाद आपकी बीवी बीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाया गया। यानी कि ये चुनाव के आधार पर चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, व्यक्ति के आधार पर चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है, जिनका चुनाव हुआ था। तो चलिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं आज। इनके पूरा नाम याद रखिए, बीवी गिरी का पूरा नाम क्या था? वराह गिरी वेंकट गिरी। भारतीय उद्योगों और अन्य क्षेत्रों में आज श्रमिकों के अधिकारों की जो बढ़ी हुई ताकत दिखाई देती है, उसका श्रेय करिश्माई कार्यकर्ता और समाज सुधारक बीवी गिरी को जाता है। हमें उनको धन्यवाद देना चाहिए कि उनके संघर्ष और नेतृत्व में श्रम शक्ति ने एक नई दिशा और ताकत पाई है, जिसके परिणाम स्वरूप श्रमिकों के अधिकारों को आज कुचला नहीं जा सकता है। ब्रिटिश काल में सामाजिक पतन कमजोर वर्गों के लिए चिंता का विषय था, परंतु बीवी गिरी को यह विश्वास था कि सभी समस्याओं का व्यवहारिक और मानवीय दृष्टिकोण से समाधान किया जा सकता है। उनका सपना था कि वे कानून के विशेषज्ञ बने, परंतु जब उन्हें आयरिश यानी कि आयरलैंड राष्ट्रवादियों के प्रभाव में आने और गांधी के संपर्क में आने का मौका मिला, तो उन्होंने अपने देश के लिए काम करने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि अगर भारत की श्रम शक्ति को संगठित किया जाए तो न केवल उनके हालात में सुधार किया जा सकता है, बल्कि वे ब्रिटिश शासन से भारत की आजादी के संघर्ष में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में काम आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं वीवी गिरी साहब का बचपन और प्रारंभिक जीवन। वराह गिरी वेंकट गिरी वीवी गिरी का जन्म 10 अगस्त कब? 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा के बहरामपुर में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। याद रखना वराह गिरी वेंकट गिरी यानी कि बीवी गिरी का जन्म कब हुआ? 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा के बहरामपुर में। उनके पिता वराह गिरी वेंकट जुगिया पांटुलु एक प्रतिष्ठित और समृद्ध वकील थे। उन्होंने अपनी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा गृहनगर में पूरी की। किन्होंने? इन्हीं बीवी गिरी साहब। अपनी कानून की शिक्षा के लिए उन्होंने वर्ष 1913 में डबलिन यूनिवर्सिटी में दाखिला किया। उसी पर उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई। बीवी गिरी उनके विचारों से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने यह एहसास हुआ कि कानून की शिक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि देश की आजादी की लड़ाई। वर्ष 1916 में उन्होंने आयरलैंड के सिन फाई आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। आपको भी पता होगा
कि 1913 में आपके जो गांधी जी थे वो अफ्रीका में ही थे, तो वहीं इनकी मुलाकात गांधी जी से हुई 1913 में। परिणाम स्वरूप वे अपनी कानून की शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हो गए। उन्हें कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। बीबी गिरी साहब को यह आयरलैंड की आज़ादी और सैनिकों का आंदोलन था जिसके पीछे वहां के कुछ क्रांतिकारी विचारधारा वाले लोग जैसे कि डी वालेरा, कॉलिन्स, पेरी, डेसमंड, फिजराइड, मैकनेल, कोनोली कहा था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की। इस आंदोलन से प्रभावित हो कर वे ऐसे आंदोलन की आवश्यकता भारत में भी महसूस करने लगे। इसके बाद बीबी गिरी भारत लौट आए और सक्रिय रूप से श्रमिक आंदोलन में भाग लेना शुरू किया। बाद में वे श्रमिक संगठन की महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। आपको पता ही होगा कि आज़ादी से पहले हमारे देश के श्रमिकों की, मजदूरों की, किसानों की क्या हालत थी। तो उन्हीं श्रमिकों को ताकतवर बनाने के लिए, उनके अधिकार दिलाने के लिए आपके वेंकट बीबी गिरी साहब ने सक्रिय भागीदारी की। उन्होंने अब बात करते हैं हम लोग आज़ादी से पूर्व बीबी गिरी के बाद की गतिविधियां क्या रही हैं। वर्ष 1922 तक बीबी गिरी सैनिकों के हित में काम करने वाले MNS जोशी के एक विश्वसनीय सहयोगी बन गए थे और अपने गुरु जोशी के समर्थन से उन्होंने मजदूर वर्ग की भलाई के लिए कार्यकर प्रय संगठनों के साथ खुद को जोड़ा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के लिए अपनी प्रतिबद्धता और मेहनत के कारण वे ऑल इंडिया रेलवे मैंस फेडरेशन के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए। उन्होंने दो बार क्रमशः 1926 और 1942 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने राष्ट्रवादी आंदोलन की दिशा में विभिन्न ट्रेड यूनियनों में अपनी पहुंच के कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्ष 1931 और 32 में एक प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखना, तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपके भाग लेने वाले कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब पूछ लेता है कई बार। गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक। और इन्होंने भी, बीबी गिरी साहब ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। वर्ष 1934 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्य के रूप में चुने गए। वे कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में वर्ष 1936 में के आम चुनाव ब्रिटिशकालीन में खड़े हुए। इसके साथ ही राजनीति से उनका वास्ता शुरू हो गया। उन्होंने चुनाव जीता और अगले वर्ष मद्रास प्रेसिडेंसी में उन्हें श्रम और उद्योग मंत्री बना दिया गया। जब ब्रिटिश शासन में कांग्रेस सरकार ने 1942 में इस्तीफा दे दिया तो बीवी गिरी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए श्रमिक आंदोलन में जुट गए। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इसके बाद 1946 के आम चुनाव के बाद वे श्रम मंत्री बनाए गए। ये थी उनकी, बीवी साहब की, आज़ादी के पूर्व की गतिविधियां। अब बात करते हैं आज़ादी के बाद बीवी गिरी की क्या गतिविधियां रही हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद बीबी गिरी को उच्चायुक्त के रूप में सीलोन, यानी कि श्रीलंका, पहले श्रीलंका को क्या बोलते थे, सीलोन, भेजा गया। वहां से अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वे भारत लौट आए और पहली लोकसभा के लिए 1952 में चुने गए। वर्ष 1957 में तक कार्य किया इन्होंने। आपको पता होगा कि आपके लोकसभा की पहली बार चुनाव कब हुए थे, 1952 में। पहली लोकसभा का गठन आपका 1952 में ही हुआ है। इस दौरान गिरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया और वे भारत के श्रम मंत्री बने। इस मंत्रालय में वर्ष 1952 से 1954 तक वो बने रहे। लोकसभा में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्हें प्रतिष्ठित शिक्षाविदों के समूह का नेतृत्व करने, श्रम एवं उद्योगों से संबंधित मामलों में
अध्ययन और प्रचार करने प्रचार प्रसार को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा गया। उनके प्रयासों के फलस्वरूप 1957 में द इंडियन सोसाइटी ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की स्थापना की गई। उसके बाद भारतीय राजनीति में सक्रियता के बाद उन्होंने 1957 से 1960 तक उत्तर प्रदेश, पर 1960 से 1965 तक केरल और अंत में 1965 से 1967 तक मैसूर के राज्यपाल के रूप में कार्य किया। वर्ष 1957 में जब राज्यपाल बने तो उसके बाद वे इंडियन कांग्रेस ऑफ सोशल वर्क के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहे। उन्होंने वर्ष 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया। अब हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के रूप में उनका योगदान। वर्ष 1969 में जब तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन का निधन हो गया तो उसके उपरांत पीवी गिरी को भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद वे अपनी पार्टी के सदस्यों के मामूली विरोध के बाद भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। वर्ष 1974 तक देश की सेवा की। जीवन पर्यंत वे अपने भाषण कौशल के लिए विख्यात रहे। वे एक निपुण लेखक भी थे। उन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर प्रॉब्लम इन इंडियन इंडस्ट्री नामक पुस्तक भी लिखी। तो क्या होता है कि आपको पहले भी बता चुके हूं कि पहले ये उपराष्ट्रपति थे, फिर इन्हें कुछ समय के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई। फिर इन्हें राष्ट्रपति चुना जाना था तो इनकी जगह फिर आपके जो मोहम्मद हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। और फिर जब इनका चुनाव हो गया राष्ट्रपति का तो आपके बेबी गिरी साहब राष्ट्रपति बन गए। ठीक। और याद रखिए एक बात बेबी गिरी साहब के बारे में, जब ये राष्ट्रपति बने तो इनके चुनाव के समय दूसरे चरण की मतगणना करनी पड़ी थी। आपके यहाँ क्या होता है कि जब आपके जो एमपी होते हैं एमएलए या जो भी स्थानीय चुनाव होते हैं तो इसमें जैसे 100 वोट हैं, 100 वोट में अगर आपके 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 5 सदस्य खड़े हुए हैं चुनाव लड़ रहे हैं विधायक का, तो सबसे ज्यादा इनमें जिन्हें वोट मिलेगा वो आपका विधायक बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसका चुनाव नहीं, इस आधार पर होता है इनका चुनाव कि 100 वोट है। ठीक है, तो 100 में से 50+1 यानी कि 51 वोट जिसे मिलेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। ठीक है, और जब तक 51 वोट नहीं हो जाते हैं तब तक जनगणना होती रहेगी। ठीक, क्या होता है कि जैसे सबसे कम वोट मिलते हैं पहली जनगणना में उसे हटा दिया जाता है, उसने जिसे द्वितीय मतलब वरीयता दी होगी उसकी वोट में उसका हिस्सा जुड़ जाता है। इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है अंततम जब तक एक को पूरी तरह से बहुमत ना मिल जाए। समझ में आया कि यहाँ ऐसा नहीं है कि ज्यादा जैसे वोट मिल जाए वही राष्ट्रपति बन जाए, यहाँ एक पूरी प्रक्रिया होती है, इसे ही अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, कभी इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जब राष्ट्रपति पद के बारे में बात करेंगे तो वहां हम लोग उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति इन सभी की प्रक्रिया भी देखेंगे। ठीक, तो इतना याद रखिए कि इनका जब चुनाव हुआ था तो द्वितीय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इन्हें सम्मान और विरासत की। भारत सरकार ने उनके योगदान और उपलब्धियों के मद्देनजर उन्हें वर्ष 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया। वर्ष 1974 में भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने श्रम से संबंधित मुद्दों का शोध, प्रशिक्षण, शिक्षा, विकासन और परामर्श के लिए एक स्वायत्त संस्था की स्थापना की। इस संस्था का नाम 1995 में उनके सम्मान में बीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट रखा गया। उन्हें श्रमिकों के उद्यान और अधिकारों के संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए एक मुखर
कार्यकर्ता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। अब इनकी अंतिम यात्रा की बात करें यानी कि मृत्यु डेथ, बीबी ग्रीक की का निधन 23 जून 1980 को चेन्नई में, वर्ष 23 जून 1980 को 85 वर्ष की उम्र आयु में बीबी ग्रीक साहब का निधन हो गया हार्ट अटैक से, ठीक है। जिसके बाद उनका निधन हो गया। सैनिकों के उद्यान और देश की स्वतंत्रता के लिए तत्पर बीबी ग्रीक जी के उत्कृष्ट योगदान को सदैव याद किया जाएगा। तो याद रखना, इनकी मृत्यु कब हुई? 23 जून 1980 को, और इनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 में, ठीक है। तो ये थे आपके बेबी गिरी साहब, वराह गिरी वेंकट गिरी साहब। आगे हम लोग बात करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद के बारे में, ठीक है। ये अगले हमारे राष्ट्रपति हैं, तो इनका एक जीवन परिचय देखेंगे हम लोग।